सब्सक्राइब करें इंफॉर्मेशन ऑफ बजीज बर्ड चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इंफॉर्मेशन ऑफ बजीज बर्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूं आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे अच्छे से कामों में बिजी होंगे। और फ्रेंड्स, आपके जो बर्ड हैं, लव बर्ड हैं, कॉकटेल हैं, बजरी हैं, फिंचे हैं, उनकी माशाल्लाह से जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस है वो अच्छे से चल रही होगी। अगर ब्रीडिंग पे नहीं आए तो इंशाल्लाह वो ब्रीडिंग पर आ जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है काइंडली सर्दियों के हवाले से, क्योंकि सर्दियों का सीज़न आ चुका है क्योंकि, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या आप वीडियो देखें। इंशाल्लाह मेरी जो पहले वीडियो बनी हुई है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये मेरे एक भाई हैं, इंडिया से है मेरे वीवा, तो उन्होंने अपने माशाल्लाह से सेटअप की वीडियो अपलोड की थी। उन्होंने कहा था कि अपलोड कर दीजिएगा अपने चैनल से, तो ये मैंने अपलोड कर दी है और कर भी रहा हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से बड़े बेहतरीन इन्होंने सेटअप रखा हुआ है। इन्होंने कॉकटेल और बजीज कट्ठे रखे हुए हैं। कॉकटेल और बजीज बड़ी बात है, ये लड़ नहीं रहे क्योंकि कॉकटेल का साइज़ काफ़ी बड़ा है। और ये देखिए नंबर वन पर रेड आई की ब्रीडिंग प्रोग्रेस, और अभी सेकंड नंबर पर देखते हैं किसकी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं हमें। ये पाइड की प्रोग्रेस है और ये देखें ये थर्ड नंबर पर जो मटकी है वो खाली है। फोर्थ नंबर पर भी मिखल में रेड आई थी, ये नहीं, ये प्योर बजरी है। प्योर बजरी की प्रोग्रेस भी अच्छी चल रही है। और फिफ्थ नंबर पर ये रेड आई की प्रोग्रेस देखें माशाल्लाह से अच्छी चल रही है। और सिक्स नंबर पर देखें मटकी में एक अंडा है। और नेक्स्ट मटकी देखते हैं सेवन नंबर वाली, सेवन नंबर, और ये देखें ये खाली है अभी, तो कोई बात नहीं पेयर बन जाएंगे। और ये देखें स्पेंगल की फीमेल की प्रोग्रेस, थ्री है गेंस के पास, इंशाल्लाह इसमें से भी बच्चे निकल आएंगे कुछ दिनों में अल्लाह ने चाहा तो। बहुत प्यारे बर्ड हैं माशाल्लाह से फ्रेंड इनके। और अगर आप चाहें तो अपने बर्ड की वीडियो भी बनाकर मुझे अपलोड कर सकते हैं। और ये इस बर्ड की में देखेंगे इसकी प्रोग्रेस क्या है। ये देखें इसमें भी मेरे ख्याल में एक या दो से तीन एग हैं, तो इनमें से भी इंशाल्लाह बच्चे निकल आएंगे कुछ दिनों में। तो फ्रेंड्स, ये सेटअप आप देख भी रहे होंगे माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने, कलोनी बनाई हुई है। यानी कि काफ़ी व्यूअर्स कहते हैं कि कलोनी की प्रोग्रेस शेयर करें, क्योंकि मेरे पास तो कलोनी नहीं है, मेरे पास केजेस ही हैं। तो मैं कलोनी की प्रोग्रेस अब ये दोस्त की शेयर कर रहा हूँ, यानी कि व्यूअर है मेरे। ये वीडियो आपको काइंडली पसंद आएगी। और इनके पास फिंचें भी हैं, फिंचों में इनके पास जेबरा फिंचें हैं, वाइट जेबरा फिंचें हैं, ब्लैक वाली हैं, और स्ट्रॉबेरी फिंचें हैं, और रेड आए हैं, रेड आए यानी कि बजीज, कॉकटेल हैं जिसमें क्रीम भी आपको दिखाया, और दूसरे इनो वाले भी, सॉरी इनो नहीं, दूसरे ग्रे वाले भी। ये देखें फ्रेंड्स, ये रेड आए के पट्ठे जो हैं ये इनके साथ हैं, फिंचों के साथ। और इन भाई के एक मैं सजेशन दूंगा कि आप जो हैं इन बजीज को अलग रखें फिंचों से, क्योंकि ये मारते हैं फिंचों को, फिंच का साइज़ बहुत छोटा है। माशाल्लाह से इनके जो फिंचों की प्रोग्रेस है ये इन्होंने नहीं दिखाई इस वीडियो में, क्योंकि मैंने वीडियो पहले पूरी व्यू की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो इनसे हम कहेंगे कि भाई आप अपनी फिंचों की प्रोग्रेस भी दिखाएं। मेरे ख्याल में इन्होंने फिंचों का जो सेटअप है वो नया लगाया। और देखें ये रेड आई के जो हैं ये पैरोट, ये भी पट्ठे ही लग रहे हैं मुझे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आए हम इनसे उसकी बनवाएंगे फिंचों की प्रोग्रेस की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं भी अपनी फिंचों की प्रोग्रेस की डालूंगा, लव बर्ड की प्रोग्रेस की भी आपको दिखाऊंगा। और मेरे माशाल्लाह से जो बजीज है, मेरे अपने बजीज, तो वो भी दोबारा ब्रीड पर आ चुके हैं। उन्होंने काफ़ी उनमें काफ़ी प्यारों ने दोबारा से एग दे दिए। तो फ्रेंड्स, ये देखें कलोनी का इनका साइज इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ। फिर भी ये देखें 4x6 की या 4x8 की इन्होंने कलोनी बनाई है, बहुत अच्छा साइज है। फी अमानिल्लाह। नाम नहीं बताया था, नाम मुझे भी नहीं पता इनका नाम क्या है, बट इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ये वीडियो शेयर की थी और मैंने आपके साथ शेयर की इनकी कलोनी की प्रोग्रेस, इनकी फिंचों की प्रोग्रेस और इनके बजीज की प्रोग्रेस। बाकी जो है माशाल्लाह से इनका सेटअप अच्छा है, लेकिन मैं इन्हें यही सजेस्ट करूँगा कि इन्होंने जो जेब्रा फिंचों के साथ वो रखा हुआ है, बजीज को रखा हुआ है, तो ये ना रखें क्योंकि वो मारते हैं।
इससे वो जेब्रा फिंच को जख्मी भी कर सकते हैं और मार भी सकते हैं बजीज जो है, क्योंकि अगर ये लड़ते हैं तो फिर बहुत बुरी तरह लड़ते हैं जो क्या कहते हैं बजीज हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप अपने सेटअप की वीडियो अपलोड करना चाहें तो आप अपने सेटअप की भी मुझे वीडियो अपलोड कर सकते हैं, बनाकर मैं काइंडली बिल्कुल उसे अपलोड कर दूंगा अपने चैनल से, क्योंकि मैं जो मैं कहता हूं कि आप अपना सेटअप दिखाएं, उससे ये होगा कि लोगों को सेटअप बनाने में यानी कि कलोनी बनाने में इंफॉर्मेशन मिलेगी और लोगों की हेल्प हो पाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काइंडली लाइक करना मत भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फी अमानिल्लाह।